नमस्कार विद्यार्थियों, आदरणीय सुरेंद्र पीसी कॉलेज रजतपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएस द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र उपन्यास निबंध व काव्य शास्त्र। और आज हमारा टॉपिक है कहानी व उपन्यास में अंतर। दोस्तों, कहानी एक कम समय में पूरी होने वाली रचना है और उपन्यास वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली रचना है। कहानी हमारे जीवन में किसी एक खंड का वर्णन करती है, जबकि उपन्यास हमारे मानव जीवन के संपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। विद्वानों ने कहानी व उपन्यास उपन्यासिक तत्वों व कहानी के तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार की समानताएं बताई है। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि कहानी का बड़ा स्वरूप भी उपन्यास है। कुछ व्यक्ति या विद्वान ये मानते हैं उपन्यास का लघु स्वरूप कहानी कहलाता है। कहानी में पात्रों सहायक पात्र होते हैं, उसी प्रकार उपन्यास में भी पात्र के पात्र सहायक पात्र आदि। लेकिन इतनी समानताएं होने के बावजूद इनमें एक बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। कहानी अगेजी ने कहानी को एक सूक्ष्मदर्शी के समान बताया, जबकि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को मनुष्य के जीवन के संपूर्ण जीवन में उसके व्यक्तित्व प्रकाश डालने वाला बात डालने वाली रचना बताई। आइए हम चर्चा करते हैं कहानी व उपन्यास में अंतर। सबसे पहले अंतर है कहानी मनुष्य जीवन का किसी एक खंड का वर्णन करती है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करता है, क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कौन सी समस्याएं आती हैं, किस पेशे में वो किस व्यवसाय में आगे बढ़ता है, के बाद उसके जीवन में जो भी अलग अलग घटनाएं हैं उन घटनाओं में से एक घटना का वर्णन कहानी में किया जाता है। अर्थात मनुष्य जीवन का एक खंड कहानी में जीवन के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। संपूर्ण जीवन में उसके जन्म से लेके मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाएं, कुछ काल में घटनाएं जो भी वो इसमें वर्णन किया जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर देखेंगे
कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, मनुष्य के जीवन से संबंधित किसी घटनाओं और कहानी में केवल एक ही कथा होती है, वही मुख्य कथा होती है, जबकि उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं अर्थात मुख्य कथाओं के अलावा भी उसमें अन्य कथाएं भी आ सकती है, वो प्रासंगिक कथाएं होगी, प्रसंग के अनुकूल होगी, और इसमें मुख्य पात्र की कथाओं के अलावा अन्य पात्रों की कथाएं भी शामिल होती है। इस प्रकार दूसरा अंतर है कि कहानी में एक ही मुख्य कथा होती है, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के अलावा अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती है। अगला भेद देखते हैं, कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है, कहानी में जो कथा बताई जाती है, कथा का वर्णन किया जाता है, वो वास्तविक कथा होती है। कुछ कहानियों में काल्पनिक कथाएं भी होती है, लेकिन लगभग लगभग वास्तविक कथाएं ही कहानी में पाई जाती है। उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है, उपन्यास में जीवन में जीवन की संबंधित कथाएं होती है वो काल्पनिक होती है, जबकि कहानी में कथा वास्तविक होती है। कुछ उपन्यास वास्तविक कथाओं पर भी आधारित है, जैसे मेला आंचल, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले का गांव, पूर्णिया जिले का एक गांव है, उसका वर्णन किया गया है। अन्य भेद है, कहानी आकार में छोटी, आकार में कहानी का आकार लघु होता है, जबकि उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। कहानी
अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो लघु आकार में होती है 5-7 पेज में कहानी पूरी हो जाती है, जबकि उपन्यास पूरा लगभग 100-150 या 200-250 के लगभग पेज होते हैं। आकार में विस्तृत होता है, बड़ा होता है कहानी से। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। कहानी का उपन्यास में अंतर, कहानी में जीवन के एक खंड का वर्णन, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होती है जिन पर व्यक्ति कहानी लिखने के लिए प्रेरित होता है, और उन मुख्य घटनाओं में से किसी एक मुख्य घटना पर वो आधार बनाकर लिखी गई रचना कहानी कहलाती है। अर्थात जीवन में घटित घटनाओं में मुख्य एक को आधार बनाकर एक ही जीवन के एक ही घटना का वर्णन किया जाए वो कहानी कहलाती है। उपन्यास जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इस उपन्यास में किया जाता है। तो कंठ से संबंधित संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उपन्यास में। कहानी की तरह किसी एक जीवन के किसी एक कंठ का वर्णन न होकर संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। दूसरा भेद है, कहानी में मुख्य रूप से एक ही कथा होती है, केवल मुख्य कथा एक ही होती है, उसमें अन्य कथाएं नहीं होती, जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के अलावा अन्य कई प्रासंगिक कथाएं होती है जो उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने करती। तीसरा भेद है जीवन की वास्तविक कथा, अर्थात जो कहानी होती है वो जीवन की वास्तविक कथा कहलाती है। कुछ कहानियां काल्पनिक भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो कहानियां हैं वो वास्तविक कथा पर ही आधारित होती है। जीवन की काल्पनिक उपन्यास मनुष्य जीवन की काल्पनिक कथा कहलाती है, जबकि जो कहानी है वो वास्तविक। कुछ उपन्यास वास्तविक कथाओं पर भी आधारित है। चौथा भेद है, कहानी आकार में लघु होती है, जबकि उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। कहानी 5-7 पेज में समाप्त हो जाती है, जबकि उपन्यास 100-150 पेज में समाप्त होता है। इस प्रकार आकार की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें भेद है। आगे हम भेदों की चर्चा करेंगे, अंतरों और अन्य अंतर है। पांचवा भेद है, कहानी एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। कोई भी पाठक एक साथ बैठ के किसी भी कहानी को एक ही बैठक में पूरी समाप्त कर सकता है। कहानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है, जबकि
उपन्यास कई दिनों तक भी पढ़ा जा सकता है, जबकि कहानी कुछ ही समय में या एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। अन्य भेद है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में एक मुख्य पात्र होता है, एक दो के सहायक पात्र होते हैं। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होगी और कुछ सहायक पात्र, और इसमें कहानी विस्तृत ढंग से पेश किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या 10 से 15 हो सकती है, जबकि कहानी में पात्रों की संख्या 5-7 तक हो सकती है। अगला भेद है, कहानी की गति तीव्र होती है, कहानी की जो गति होती है वो तीव्र होती है, जबकि उपन्यास की गति होती है, जबकि उपन्यास की गति धीमी होती है। कहानी अगला भेद है, कहानी में जो कथा होती है वो शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। अगला भेद है, कहानी की जो कथा होती है वो शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। जो कहानी को उद्देश्य जो मोहरत है वो उस पर जल्दी पहुंच जाती है, उसका निष्कर्ष जल्दी निकल जाता है। कहानी का जो लक्ष्य है वो शीघ्र
धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। एक बार और इसका रिविजन देख लेते हैं। कहानी वह उपन्यास में अगला अंतर है, कहानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है जबकि उपन्यास एक ही बैठक में पढ़ना असंभव है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में इसकी गति, कहानी की विकास की गति तीव्र होती है जबकि उपन्यास की जो कथा है उसकी गति धीमी होती है। कहानी की जो कथा है वो शीघ्र अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, जल्दी से उसका निष्कर्ष निकल आता है, जबकि उपन्यास की कथा अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे पहुंचती है। कई रहस्यों के बाद कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ में आता है उपन्यास में। अगले भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला भेद है समय सीमा के आधार पर। कहानी कम समय में पूर्ण जाती है। कहानी को जो पढ़ते हैं तो पढ़ने में कम समय लगता है, कहानी कम समय में पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जबकि उपन्यास ज्यादा समय में पूर्ण होता है। अर्थात समय के आधार पर भी इनमें भेद है। अगला भेद है कहानी में जो संवाद होते हैं वो छोटे छोटे संवाद होते हैं या नहीं होते। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें संवाद है ही नहीं, और उपन्यास में कहानी की अपेक्षा संवाद बड़े बड़े होते हैं। अन्य भेद देखते हैं।
संक्षिप्त रूप होता है, जबकि उपन्यास में कथा वस्तु की जो स्थिति है वो विस्तृत होती है। अन्य भेद है तत्वों के आधार पर कहानी में तत्व होते हैं, संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जाता है, कुछ तत्व में अधूरे भी रह जाते हैं, जबकि उपन्यास में तत्वों की विस्तृतता होती है, उनमें जो तत्व है उनका विस्तृत वर्णन किया जाता है, जैसे कथा वस्तु है, कथोपकथन है, पात्र चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, देश काल का वातावरण, उसका विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया जाता है। इस प्रकार ये उपन्यास में कहानी में भेद है, इनको एक बार और देख लेते हैं। कहानी कम समय में पूर्ण हो जाती है जबकि उपन्यास ज्यादा समय में पूर्ण होता है, इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। कहानी में संवाद छोटे छोटे या नहीं होते हैं, जबकि संवाद कहानी में संक्षिप्त कथा वस्तु होती है, जबकि उपन्यास में कथा वस्तु विस्तृत होती है। तत्वों के आधार पर भी भेद है। कहानी में जो तत्व होता है उन तत्वों की संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जबकि उन्हीं तत्वों की उपन्यास में विस्तृत वर्णन किया जाता है। और उपन्यास में तत्कालीन समाज, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा शैली सभी का इसमें वर्णन किया जाता है। इस प्रकार ये उपन्यास और कहानी में सामान्य भेद है। कुछ विद्वानों ने इसके अन्य भेद बात माने हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से योग्य भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।